हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम 24th वर्कशीट सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकेंड पार्ट। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज। वहाँ पे और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, जो कि एक लिमिटेड स्केल पे की जाती हैं। दे आर कॉल्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इन्हें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। दीज प्रोडक्ट एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। इसमें कई रिसोर्स चाहिए जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि लोग चाहते हैं। इसके लिए चार मेन वो चाहिए रिक्वायरमेंट्स। पहली है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो सबसे पहले लैंड जरूरी है। अगर लैंड ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी है लेबर, कोई वर्कर चाहिए जो कि ये सारा काम करे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली वर्कर्स। किसी में बहुत सारे एजुकेटेड वर्कर्स की भी जरूरत होती है और अदर एक्टिविटीज में कुछ मैनुअल वर्कर्स की जरूरत होती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी। और अपनी अपनी लेबर को चाहिए होता है सभी कंपनीज को। तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, जिसमें इनपुट्स आते हैं, सामान आते हैं जो कि हम यूज करते हैं, और मनी आती है। और चौथी रिक्वायरमेंट है कोई नॉलेज या एंटरप्राइज, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो ये चार चीजें चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर थिंग्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। इट इज प्रोसेस इन विच सम मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब नेम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, बिकॉज इफ वी डोंट हैव अ प्लेस सो वी डजंट डू एनी बिजनेस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। अब नेम एनी थ्री नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी फार्मिंग या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। वॉट आर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज? प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्स वेरियस सोर्सेज सच एज नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट, नॉलेज, मनी एक्सेट्रा। तो इस तरह से वर्कशीट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।